बीवी बीपी रेशो आपका एक बीपी की वैल्यू जो है वो है 49 बिजनेस वॉल्यूम। जब आप एक बीपी की प्रोडक्ट खरीदते हैं आपको 49 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। और ये याद रखिएगा कि आपको कमीशन बीपी पे नहीं मिलती, बिजनेस वॉल्यूम पे मिलती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बीपी के अंदर सेल्स टैक्स शामिल होता है, बिजनेस वॉल्यूम में से सेल्स टैक्स निकल जाता है। और सेल्स टैक्स निकाल के कमीशन हम क्यों आपको देते हैं, क्योंकि सेल्स टैक्स ना हमारा है ना आपका है, वो तो हुकूमत पाकिस्तान का है। सो सेल्स टैक्स अंदर से निकल के गवर्नमेंट को चला जाता है और जो बाकी बचता है उसको हम कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम। उस पे हम आपको कमीशन दे देते हैं आपके टाइटल के हिसाब से। सो बीवीबीपी रेशो 49, आपका टाइटल क्या है इस मिसाल में 21%। सो अगर आप 21% हैं और आपने 100 बीपी किए हैं तो सिंपल आ जाएगा 100 ضرب 49 ضرب 21%, आपने 1029 रुपए कमाए हैं इस महीने में अपनी पर्सनल सेल पे। अगर आपने 150 बीपी किया है तो इसको आप 150 कर दें, अगर आपने 200 किया है तो इसको 200 कर दें विदाउट कमीशन। विदाउट कमीशन से क्या मतलब, दिस इज योर कमीशन, ये आपकी कमीशन का हिस्सा है ना। लेकिन अभी हमने कैलकुलेट क्या किया है, सिर्फ आपने जो सेल किया उस पर्सनल, अभी हमने सिर्फ पर्सनल किया, ग्रुप का नहीं किया, ग्रुप का नहीं किया। सो ये जो आपने अपने अकाउंट पे जितने भी बीपी की सेल की उसका आपको ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। अब हम देखते हैं कि ग्रुप से कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, कि जी ग्रुप से मैंने कितना अर्न किया, और उसके लिए आपको हर शख्स से अपना डिफरेंस पता होना चाहिए कि मेरी डाउनलाइन में जो 2 या 3 लोग मौजूद हैं उनसे मेरा डिफरेंस क्या है। सो मैं एक जल्दी से एक मिसाल ड्रॉ कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि आपके ग्रुप में 2 लोग मौजूद हैं, ये आप हैं, ये आपका ए है और ये आपका बी है। और अब चूंकि हम यहाँ पे आपको 21% दिखा चुके हैं इसलिए मैं कहूंगा कि ए ने किए 4000 बीपी और बी ने किए 6000 बीपी, ऑब्वियसली अपने ग्रुप्स के साथ मिलकर, ठीक है जी। सो आप आ गए 21% पे, ए कितने परसेंट पे हुआ, 15%, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। और बी, बिल्कुल सही, 15%। सो यही हो गया। उसके बाद आपने ये देखना होता है, अगला स्टेप ये है कि आपका और आपकी डाउनलाइन का डिफरेंस कितना है। आप 21% पे हैं, ये 15% पे हैं, फर्क कितना हुआ 6% का। सो इस जिसने जितना बिजनेस जनरेट किया है उसका 6% कंपनी आपको देगी, बिकॉज आप 6% ऊपर हैं। इधर भी 15 है तो इधर से भी 6% आपको आ रहा होगा लीडर को जो मिलेगा। और ये याद रखिएगा कि इस शख्स की आमदनी में से निकाल के नहीं कंपनी आपको दे रही, ये कंपनी डायरेक्टली आपको दे रही है, ये आपको ओरिफ्लेम दे रहा है, ये आपको ए नहीं दे रहा या आपको बी नहीं दे रहा। इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। लोग ये समझते हैं कि मैंने 4000 बीपी किया है तो मेरे 4000 बीपी का इतने परसेंट बनता था, वो कंपनी ने मेरी इनकम में से निकाल के मेरे लीडर को दे दिया। ऐसा नहीं होता, हर किसी को कंपनी दे रही होती है उसकी टीम की परफॉर्मेंस पे, बिकॉज आप कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप कंपनी को हेल्प कर रहे हैं, आपने अपने साथ 50, 100, 150, 200 लोगों को इकट्ठा किया है और आप कंपनी की प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं डायरेक्टली सर, कंपनी को कर रहे हैं और इनडायरेक्टली अपने लीडर को भी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अपने लीडर को भी कर रहे हैं, बट इस लिहाज से तो फिर हर कोई इनडायरेक्टली अपने लीडर को कर रहा है ना, सबको जा रहा है। अगर आप एक लाइन में 100 लोग हैं तो हर कोई दूसरे को हेल्प कर रहा है ना, और असल में वो अपने आप को हेल्प कर रहे हैं। वो उस तरफ बाद में आए, वो आज की ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है ये, अब मैंने बोनस पे पहुंचना जल्दी, टाइम बहुत कम। सो इफ समबडी स्टॉप्स, जल्दी से जवाब दे देता हूं, उम्मीद है आप समझ जाएंगी, इफ समबडी स्टॉप्स ये अंदर से निकल जाएगा। अगर इसने कुछ नहीं किया तो इसका बिजनेस भी तो कुछ नहीं हुआ ना, अगर इसकी 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 टीम में से किसी ने 100-200 बीपी किए हैं उस 100-200 बीपी का मिल जाएगा, बस बात इतनी सी है। बट वो कुछ नहीं कर रहा, तो वो एक वो डिफॉल्टर है, वो जो भी है वो डिफॉल्टर है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। ये बेस्ट चीज है ओरिफ्लेम की, जो करता है उसको मिलता है, जो नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता, चाहे वो आपका टॉप लीडर है चाहे वो आपका सबसे छोटा लीडर है, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। ये क्यों ऐसे होता है कि डाउनलाइन अपनी अपलाइन को क्रॉस कर जाती है। लाइव आपको एग्जांपल देता हूं, हुमैरा कामरान जिलानी साहब, हुमैरा कामरान की डाउनलाइन में
लेकिन जुलानी साहब ओरिफ्लेम पाकिस्तान के नंबर वन लीडर है, हमारा नंबर थ्री लीडर है। सो ये आपकी मेहनत पे होता है, कौन कितनी मेहनत करे वो ऊपर चला जाएगा। सबीना जुनेद ओरिफ्लेम की टॉप 15 लीडर में आती है, सबीना जुनेद की डाउनलाइन में अंबर फारूकी है, सबीना जुनेद 15वें नंबर पे हैं, अंबर फारूकी दूसरे नंबर पे हैं पाकिस्तान में। सो ये डिपेंड करता है आप मेहनत कितनी करते हैं, आप कितना आगे निकल जाते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना जी कि मेरी डाउनलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, मेरा स्पॉन्सर चेंज कर दें, उस वो उन, उन उनका कसूर ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता भी बिजनेस चलता कैसे। आपको ओरिफ्लेम में बिजनेस समझने के लिए स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, लीडर्स नहीं बोलेंगे, स्पॉन्सर एक वजह से आपको चाहिए। क्यों चाहिए स्पॉन्सर? सिर्फ मेंबरशिप लेने के लिए, रजिस्टर होने के लिए आपको स्पॉन्सर की जरूरत होती है, उसके बाद तो यू ऑन योर ओन। दौड़ लगाएं, सक्सेस प्लान आपके पास है, हम आपके साथ हैं, सीखें, आए।